का बेहद विश्वसनीय मेडिकल स्टोर कविता मेडिसिन्स वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ जयपुर के गैस्ट्रोस्कोपी एवं गैस्ट्रोस्टॉक से होने वाले ऑपरेशन के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर के एस नारायण प्रत्येक रविवार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके द्वारा कब्ज, दस्त, हिचकी, उल्टी, पीलिया, खून की उल्टी होना समेत पेट और लिवर से संबंधित सभी रोगों का इलाज किया जाता है। वहीं धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो और मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार प्रत्येक बुधवार को बैठते हैं। इसी तरह फोर्टिस बंगलौर से आए प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार सोमवार से शनिवार तक यहाँ मरीजों को देखते हैं। इधर फोर्टिस कोलकाता से आए शल्य चिकित्सक एवं जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार माथुर भी मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो धनबाद के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार चर्म, कुष्ठ, गुप्त व यौन रोग विशेषज्ञ सोमवार को यहाँ बैठते हैं। तो आज ही संपर्क करें कविता मेडिसिन, महावीर मार्केट, अपोजिट पंच मंदिर, कोट रोड, गिरिडीह। हुनर है पास तभी है आस, बेरोजगारों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी आयोजित कर रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण। ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच हो और जो 8वीं उत्तीर्ण हो, उनके लिए सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, डीटीएच सेट व डीएएस सेट इंस्टॉलेशन प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को टी शर्ट व सफल प्रशिक्षितों को 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो आज ही जुड़े, 400 घंटे का लॉन्ग कोर्स और 12 घंटे का शॉर्ट कोर्स उपलब्ध है। हमारा पता झुको देवी इंटर कॉलेज बलगो मोतीलीदा गिरिडीह। विगत 48 वर्षों से चिकित्सीय सेवा देता आ रहा है गद्दी मोहल्ला स्थित शहर का सबसे पहला नर्सिंग होम बसंती देवी गोयनका सेवा सदन। इस नर्सिंग होम में 3 आधुनिक एसी केबिन, 14 केबिन, जनरल वार्ड में 50 बेड, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, पैथोलॉजी वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में रांची के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सुशील कुमार रविवार व सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार से हर्निया, हाइड्रोसिस, अपेंडिस, किडनी या पित्त की थैली में पथरी, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, पेट संबंधित कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, मस्कुलर सर्जरी, लेप्रोस्कोपी या बच्चे के किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ ही प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीता साव अपनी सेवा देती हैं। पता बसंती देवी गोयनका सेवा सदन, गद्दी मोहल्ला, गिरिडीह। शौर्य होंडा में होंडा के दो पहिया वाहन का फुल रेंज मौजूद है। यहाँ फाइनेंस तथा शीघ्र रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। I've heard the Albert Gallery has a great collection. I've heard the City Club makes the best donuts. I've heard the games this week will be thrilling. I've heard St. Thomas is very pretty. सॉरी होंडा में अत्याधुनिक सर्विस सेंटर मौजूद है, जहां होंडा के दो पहिया वाहनों के सभी बाइक व स्कूटी की सर्विसिंग आधुनिक तकनीक द्वारा की जाती है। यहां ग्राहकों को बैठने के लिए एसी कस्टमर लॉन्च की सुविधा है, जहां टीवी तथा ठंडे पानी की व्यवस्था है। ग्राहकों से आग्रह है कि होंडा के बाइक या स्कूटी का सर्विसिंग यहां अवश्य करवाएं। भीड़ से बचने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर आप अग्रिम बुकिंग करवा सकते हैं। पता बड़ा चौक के निकट टुंडी रोड, गिरिडीह। अब आपकी फुर्सत के क्षण होंगे और भी खुशगवार, क्योंकि एक से एक रोमांचकारी झूलों के साथ शहर के बीटी फील्ड में आ गया है डिज्नीलैंड मेला। यहाँ आप टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला, नौका झूला, 3-in-1 झूला, मारुति झूला, स्कॉर्पियो झूला समेत अन्य कई देसी विदेशी झूलों का मजा उठा सकते हैं। वहीं खिलौने, मनिहारी, हैंडीक्राफ्ट, क्रॉकरी, आचार, कंगन आदि की दुकानें भी यहां कर रही है आपका इंतजार। मौत का कुआं मेले का मुख्य आकर्षण बना हुआ है, तो देर न करें, आज ही पहुंचे हाई स्कूल मैदान और करें सैर एक रोमांचक दुनिया की। हमारा पता बीटी फील्ड, रेड क्रॉस भवन के सामने, गिरिडीह। शहर का एकमात्र ISO सर्टिफाइड पैथोलॉजी लैब रखता है ख्याल आपकी सेहत का। यहाँ अत्याधुनिक मशीन और कंप्यूटराइज्ड ऑटो एनालाइजर मशीन द्वारा सैकड़ों बीमारियों की जांच बारीकी से की जाती है और आपको मिलता है परफेक्ट टेस्ट रिपोर्ट।
यहाँ होम कलेक्शन की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही थायोकेयर डॉक्टर लाल पैथ लैब मेडिलैंड और डायग्नो लैब में भी जांच की सुविधा है। इसके अलावा हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार ब्लड शुगर टेस्ट 50% डिस्काउंट पर ब्लड प्रेशर निःशुल्क नापा जाता है। यहाँ IMPR कोलकाता द्वारा संचालित पैथोलॉजी कोर्स में डिप्लोमा करवाया जाता है। हमारा पता बंगला स्कूल के सामने मगतपुर गिरिडीह। LG सैमसंग BPL अकाई संतोष उषा तूफान हेवल्स यूनिनॉर ब्लैकबेरी वेस्टर्न आदि नामवर कंपनियों के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का नायाब कलेक्शन यानी सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स पचम्बा रजाक चौक पर खुले इस प्रतिष्ठान में टीवी फ्रिज कूलर AC पंखा आयरन इंडक्शन चूल्हा समेत तमाम तरह के संबंधित उत्पाद मौजूद हैं, वह भी उचित मूल्य पर। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी सामान मंगाए जाते हैं, तो आज ही पहुँचे सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स। पता याद रखें, रज्जाक चौक पचम्बा गिरिडीह। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम यूरोलॉजी एंडोस्कोपी सर्जरी एंड मैटरनिटी केयर सेंटर गिरिडीह का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गिरिडीह के एकमात्र यूरोलॉजी एंड जनरल सर्जन डॉक्टर विकास लाल के कुशल मार्गदर्शन और डॉक्टर आरती लाल व डॉक्टर संदीप कुमार की देखरेख में कई सुविधाओं और नई तकनीकों से लैस गोवर्धन लाल नर्सिंग होम। नवजात बच्चों को होने वाले जॉन्डिस के इलाज के लिए फैसिलिटी ऑफ फोटोथेरेपी एंड बेबी बाथ। फर्स्ट टाइम इन योर सिटी वी आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ एंडोस्कोपी अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर डिलक्स रूम्स कंफर्टेबल वेटिंग हॉल कैंटीन पैथोलॉजी मेडिकल स्टोर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स बिग स्पेस फॉर पार्किंग और 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। मेट्रो सिटीज की तरह दूरबीन द्वारा किडनी पेशाब नली व पेशाब की थैली की पथरी का इलाज और साथ ही प्रोस्टेट का इलाज भी संभव। कन्या बचाओ अभियान के तहत बेटी के जन्म पर 10,000 तक की छूट। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम अपोजिट गाली होटल बरगंडा गिरिडीह। झरिया गादी में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर हुआ जमकर हंगामा। ग्रामीणों ने रोका काम, प्रशासन ने खदेड़ कर ग्रामीणों को भगाया। जयराम नगर में एक घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति हुई स्वाहा, परेशान है पीड़ित परिवार। और धूमधाम से शुरू हो गया शहर में कबीर महोत्सव। पहले दिन निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भक्तिमय हो उठा है माहौल। अब खबर विस्तार से। झरिया गादी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। यहां ग्रामीणों और प्रशासन के बीच देर तक तनातनी चलती रही। झरियागादी में बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रशासन के लिए सरदर्द बना हुआ है। यहां भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रशासन और ग्रामीण लगातार आमने सामने हो रहे हैं। बुधवार को भी यहां इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। असल में ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोक दिया था और खूब हो हल्ला मचाया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट जवाहर सिंह, CO धीरज ठाकुर, मुफस्सिल थाना प्रभारी संजीव मिश्रा, कर्मचारी राजेश कुमार आदि मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे ग्रामीणों को खदेड़ा। इस दौरान बताया गया कि सरकारी जमीन पर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है, ऐसे में इसका विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारत सरकार का अमृत योजना के तहत यहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, जिसका मुख्य कार्य रहता है कि घरों से जाके जो वेस्ट वाटर है उसको कलेक्ट करके लाना है, और टेक्नोलॉजी के द्वारा उससे पानी फिल्टर होगा, और जो पानी को यूज हम खेती बाड़ी में भी कर सकते हैं, बागवानी में कर सकते हैं, उसको गाड़ी वाश करने में भी कर सकते हैं। इससे पर्यावरण का सुरक्षा हेतु ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कितने की लागत से ये बन रही है? ये 4.5 करोड़ की लागत से बन रही है। कितने का प्लांट है ये? प्लांट वही है 4.75 करोड़ की है। जी सर, तो आज क्या लागत है? आज हम लोग पिछले कई दिनों से काम चालू करना चाह रहे थे, तो लोग गांव वाले आके बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। महिला लोग आके सो जा रही थी, कह रही थी ये जमीन हमारा है, क्योंकि ये जमीन 2016 में ही भारत ये नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया। उसके बावजूद भी वो लोग कह रहे कि जमीन हम लोग का है, जिसके कारण से हम लोगों ने जिला प्रशासन से संपर्क किया। जिला प्रशासन ने हमें फोर्स मुहैया कराया, जिसके तहत आज थोड़ा सा काम चल रहा है। द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम किया जा रहा था, बहुत दिनों से भी काम पहले चल रहा था, इसी बीच ग्रामीणों के द्वारा कुछ कार्य में व्यवधान किया गया, और आज भी कार्य में व्यवधान करने की कोशिश की है, तो उन लोगों को समझा बुझा करके वापस कर लिए। काम चल रहा है। किस ग्रामीण का क्या कहना है, क्यों विरोध कर रहा है? कहना है कि जमीन मेरा है, लेकिन पेपर के सीओ साहब के द्वारा जो मिला हुआ जमीन है वो तो सही है, उसमें किस तरह का। कितना जमीन है ये सर? ये तो जमीन 4.20 एकड़ है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है। इधर कुछ ग्रामीणों ने कहा कि यह उनकी बंदोबस्ती कराई हुई जमीन है, लेकिन प्रशासन जबरन उनकी जमीन छीन रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि आज उनके साथ प्रशासन ने जमकर मारपीट की है। बेटा के पूरा मार हुआ, मेरा देवर के मोरो सब को, लेडीज लोग को, जेंट्स को पूरा मार दिया। पानी वाला बोला टंकी बनाएंगे, हम लोग रोक दिए हैं, बोल रहे हैं रोक दीजिए, प्रशासन लाठी कर दिए हैं, बोले हंटर के मार मारेंगे, गोली चला देंगे, पूरा गाली दिया है। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? फिर काम चालू कर दिया है। लेडीज लोग को फुल गाड़ी दिया प्रशासन लोग, माँ बहन पूरा हम लोग का बहन नहीं। मेरा जमीन है उतना अलग कर दीजिए, जो है हमारा जमीन इकट्ठा करके चौधरी के अनुसार से वो हम लोग का नाप के अलग कर दीजिए, इसके बाद आप लोग बनाइए। उसके पर लेडीज पुलिस और जेंट्स पुलिस आए तो हम लोग पर मतलब लाठी चलाने लगा, तो बाल बच्चा सब भागने लगा, उसको पर सब मोबाइल तोबाइल था सब छीन लिया, यहाँ फूल भी हुआ, घुटने में दर्द हुआ, उसको मेरा बेटा चार पाँच लाठी मारवा दिया, एगो पोतवा के खून निकाल दिया। तो क्या मांग कर रहे हैं? जो हम लोग का जमीन है वो दे दिया जाए, जितना हमको जमीन है वो दे दिया जाए, उसके अलावा। शहरी क्षेत्र के जयराम नगर में मंगलवार रात अचानक एक घर में आग लग गई। घटना में गृह स्वामी को नुकसान हुआ है। मोमबत्ती से लगी आग ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को राख कर दिया है। घटना शहरी क्षेत्र के जयराम नगर की है। यहां लक्ष्मी देवी के घर में मंगलवार रात अचानक आग लग गई। घटना में उनके घर में रखा सामान, लाखों की नकदी और जेवरात आग की लपटों में स्वाहा हो गया। बताया गया कि इस इलाके में पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं है, इस वजह से इलाके के लोग मोमबत्ती आदि से अपने घर को रोशन कर रहे हैं। इसी रोशनी के चक्कर में लक्ष्मी देवी के घर में आधी रात को आग लग गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। इस बाबत लक्ष्मी देवी ने बताया कि घर में बच्चियों के विवाह के लिए रुपए एवं गहने रखे थे, साथ ही जमीन जायदाद के कागजात भी इस मनहूस आग की भेंट चढ़ गया है। लक्ष्मी देवी ने प्रशासन एवं आम आवाम से मदद की गुहार लगाई है। सारा मेरा बेटी का शादी का कपड़ा लत्ता गहना होना सब जल के खाक हो गया, तो 10 लाख रुपया था।
सब था, दोनों बेटी क्लेम कर, मशीन में टीवी था, ये था कि पलंग था और कूलर था और सारा पेपर सब था, केस था, डॉक्यूमेंट सब था, आधार कार्ड, स्कूल का, हाँ स्कूल का सब, एडमिट कार्ड सब था, सोना था करीबन 2.5 लाख का सोना था, कुछ गल के खाक हो गया, अब तो बेसहारा रह गए। इधर आस पड़ोस के लोगों ने भी इस घटना पर बेहद चिंता जाहिर की है। रात भर सुनने ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कैसे इन लोग की जीविका चलेगा, के सब बर्बाद हो गया, लूट गया है, लोग अकेला है, परिवार भी नहीं है इसका, क्या बोल रहे, विधवा, हाँ इसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, दो बच्ची का शादी था, उसका सामान सब जल गया। शहर में वाहन जांच अभियान लगातार जारी है, इस क्रम में बुधवार को भी ट्रैफिक नियम का अनुपालन नहीं करने वालों का चालान काटा गया। शहर भर में इन दिनों जाम की समस्या काफी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए जिला परिवहन विभाग एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से संयुक्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत उन सभी वाहनों का चालान काटा गया जो यातायात नियम की अनदेखी कर रहे थे और यातायात नियम का पालन नहीं करते हुए पाए गए। अभियान के तहत मौलाना आजाद चौक पर कई वाहनों का चालान काटा गया। इस संबंध में अभियान के प्रमुख उपेंद्र राय का कहना है कि लोग वाहन चलाते समय यातायात नियम की अनदेखी करते हैं। शहर भर में टेम्पो, कार आदि वाहन नो एंट्री में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे शहर के मुख्य मार्गों में ट्रैफिक जाम हो जाती है। इसे गंभीर रूप से लेते हुए नो एंट्री में खड़े वाहनों का भी चालान काटा जाएगा। साथ ही मौलाना आजाद चौक से आने वाले वाहनों को बस स्टैंड रोड की तरफ मोड़ा गया, ताकि जाम की समस्या से बचा जा सके। आदि आदि का चालान जो है हम लोग काटते हैं, नो एंट्री में जो गाड़ी खड़ी रहती है, रोड पर जो गाड़ी खड़ी रहती है उसका चालान काटते हैं, ताकि कम से कम रोड सड़क जो है वह सही रहे, आदमी को आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, यही इसीलिए हम लोगों का ये अभियान जो है लगातार जारी रहता है। पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न कराया गया, इस दौरान मीठे नीम का पौधा लगाकर तमाम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। लोगों को पेड़ लगाने के संदेश को देते हुए सदर अस्पताल के प्रांगण में आज पौधारोपण कार्यक्रम अस्पताल प्रबंधन द्वारा करवाया गया। लगभग 1.5 दर्जन मीठे नीम के पौधे को इस कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल के प्रांगण में रोपण किया गया। मौके पर डॉक्टर बीएन झा ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत रोपण किए गए मीठे नीम के पौधे बहुत गुणकारी होते हैं, इसका उपयोग बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है, साथ ही भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इसके पत्तों को कड़ी एवं दाल में भी डाला जाता है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को 1 या 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। अस्पताल में हम लोगों ने कुछ मेडिसिनल प्लांट का लगाने का कार्यक्रम किया है। वो पौधा जो है बहुत ही अच्छा है, उसको करी पत्ता के रूप में जाना जाता है, उसके पत्ते खाए भी जाते हैं और उसके पत्ते दाल में लगाए भी जाते हैं, पानी में दाल के बाद जो भी सेहत देता है और शरीर को भी सेहत देता है। बुधवार को स्विमिंग पूल पार्टी का आयोजन किया गया, इस दौरान बच्चों को खेल खेल में स्विमिंग की जानकारी दी गई। बरमसिया का प्रतिष्ठित विद्यालय एस कोइन का कैंडी फ्लॉस स्कूल में माहौल उत्साह से भरा हुआ था। यहां विद्यालय की ओर से बच्चों के लिए स्विमिंग पूल पार्टी का आयोजन किया गया था। मौके पर विद्यालय प्रबंधन और बच्चों ने जमकर मौज मस्ती की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को
स्विमिंग पूल में तैराकी का प्रशिक्षण भी दिया गया। यहां कार्यक्रम की सफलता में निदेशक श्रीमती प्रीति गोइनका, प्रिंसिपल शोभा शर्मा, शिक्षिका श्वेता, शिखा, नुपुर, पूजा, स्नेहा समेत अन्य सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। School, we organize extracurricular activities for the betterment of our children, because apart from studies they should have extra playthings, and one of them is today I have organized a splash pool party in Candy Floss School, where the children are swimming and dancing, and all the parents are participating and dancing with the children, and they are and we have organized a small salad party also, and they know what is a salad made of: sprouts, cucumber, carrot, so that they become more worldly wise. Apart from the usual monotony of the studies, we keep organizing such events so that they can get down to studies and work with lot of energy. Right? Okay. Thank you. वास्तव में ये शिक्षा का ही अंग है। बच्चे जो पढ़ाई करते करते एक रास्ता में आ जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो बीच बीच में इस तरह से मनोरंजक कार्यक्रम रख के हम लोग उसकी उन लोगों की एक रास्ता खोल करते हैं। उसके बाद बच्चों को हल्का फुल्का कुछ नाश्ता वगैरह का कार्यक्रम रखा गया, और अभिभावकगण भी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिए बच्चों के साथ, और बड़ा अच्छा माहौल रहा। महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। महोत्सव के पहले दिन कबीर भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। बाद में कबीर मंदिर में ही कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान संचालित किए गए। संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब के 620वीं जयंती सिरसिया सीओडी स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में बड़ी ही उल्लास व आनंदित माहौल में बुधवार से प्रारंभ हो गयी। अब यहाँ गुरुवार तक संत कबीर के जयंती के अवसर पर सत्संग, प्रवचन, भजन, यज्ञ आदि कार्यक्रम संचालित होंगे।
इसको लेकर बुधवार सुबह शहरी इलाके में एक भव्य सदगुरु कवि दर्शन शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में चिले समेत अन्य कई राज्यों से आए काफी संख्या में कबीर भक्तों ने भाग लिया। यात्रा में कबीर भक्तों का उत्साह उफान पर रहा। यहां प्रेम से बोलो सत्य कबीर जैसे जय घोषों से वातावरण गुंजायमान उठा। वहीं महिलाएं झाल मंजीरे के साथ नृत्य कर इस दिवस की खुशियां मनाती नजर आई। शहर के जिन प्रमुख मार्गों से यह शोभा यात्रा गुजरी वहां लोग सड़कों पर इन दृश्यों को देखने के लिए ठहर से गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अरुण माथुर, साध्वी गीता भारती, योग भारती, नारायण दास, अनिता सिन्हा, इंदु बहन, रेखा कुमारी, किशोर सिन्हा, विनय कपिश्वे, किशोर सिंह, अदिति, सुरेंद्र, आदर्श, हर्षित, विवेक आदि की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। लगातार 20 वर्ष से सेवा होती जा रही है। सरबत पानी की व्यवस्था हम लोग यहाँ पर करते रहे हैं। समस्त अड़गरा परिवार, इसमें अशोक कुमार, संजय कुमार, सौरव कुमार, राजेश कुमार, दामोदर राम, छोटेला राम अड़गरा, समस्त अड़गरा परिवार इसमें हमेशा से जुड़ा रहा है। बहुत अच्छा लगता है, तो सोचते कि हर साल हमको सेवा का मौका मिलेगा। झरिया गादी में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर हुआ जमकर हंगामा। ग्रामीणों ने रोका काम, प्रशासन ने खदेड़ कर ग्रामीणों को भगाया। जयराम नगर में एक घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति हुई स्वाहा, परेशान है पीड़ित परिवार। और धूमधाम से शुरू हो गया शहर में कबीर महोत्सव। पहले दिन निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भक्तिमय हो उठा है माहौल। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।